ईयर टू डेट या एक महीने का चार्ट अगर लेकर आएंगे तो उसमें आपको निफ्टी आईटी की एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये देखिए, ये वो चार्ट है, ये चार्ट है, देखिए ये आपको एक पूरी स्टोरी बयां कर रहा है। 7% निफ्टी आईटी चला एक महीने में और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट रहा है, तो मतलब इतना इस लेवल का डिफरेंस है बिटवीन निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। इनफैक्ट इस पर गौरव से एक व्यू ले लेते हैं कि अगर इस समय कोई नया ट्रेड देख रहा है, दोनों में आपका बायस निफ्टी आईटी में रहेगा या फिर आपको लग रहा है अब शायद निफ्टी बैंक आगे आउट परफॉर्म करेगा? गौरव, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेने की तैयारी में है या फिर जस्ट गो व्हाट द मार्केट इज सेइंग? देखिए, इसको अगर आप निफ्टी आईटी की बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से काफी निचले 26-27 हज़ार से मैं ये कह रहा था कि निफ्टी आईटी जो है, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, तो सबसे अच्छा जो सेक्टर मुझे लग रहा है वो निफ्टी आईटी लग रहा है। वहां से 20% की अपसाइड आ चुकी है। लेकिन अगर आप कहें अगले 1 साल का व्यू, तो मैं कहूंगा मैं आईटी के साथ ही रखूंगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर देखिए तो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और काफी अच्छी ट्रेंड को कैप्चर कर सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी और आईटी का कंपेरिजन करें अगले 1 साल के लिए, तो आई विल स्टिक विद निफ्टी आईटी। अगर आपका नजरिया है कि मैं अगले 10-15 दिन के लिए करूं, तो मैं बैंक निफ्टी के लिए करूंगा। अगर 42 हज़ार क्लोजिंग आती है, तो जो फास्ट मूव है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा आ जाएगा कंपेयर टू निफ्टी आईटी। ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर किसी का नजरिया 1 साल है उसके ऊपर का है, तो अभी भी मेरा रुझान जो है निफ्टी आईटी के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच रहे हैं तो निफ्टी आईटी, लेकिन शॉर्ट क्विक गेन्स के लिए निफ्टी बैंक आपको दिखा सकता है। और दोनों ही चार्ट्स अब आप एक ही ग्राफ पे देखिए प्लॉट हो गए हैं। निफ्टी आईटी कहाँ और निफ्टी बैंक कहाँ रह गया, वो स्टार्क डिफरेंस आपको दिख रहा है।